अध्याय 12 ते तो 25 आणि 26 यहुन्ना अध्याय 12 ते 25 और 26 योहान यहुन्ना अध्याय 12 अध्याय 12 जॉन चैप्टर 12 यहुन्ना अध्याय 12 वर्स 25-26 25 और 26 जॉन चैप्टर 12 यहुन्ना अध्याय 12 वर्स 25-26 25 और 26 योहान 12 यहुन्ना अध्याय 12 25 आणि 26 25 और 26 जो आपल्या जीवावर प्रीती करतो तो त्याला मुकेल, जो ह्या जगात आपल्या जीवाचा द्वेष करतो तो त्याचे सार्वकालिक जीवनासाठी रक्षण करेल. जर कोणी माझी सेवा करतो तर त्याने मला अनुसरावे, म्हणजे जिथे मी आहे तिथे माझा सेवकही असेल. जर कोणी माझी सेवा करतो तर पिता त्याचा मान करेल. जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा. यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा. यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा. आमीन. अपन डोले बंद करो, प्रार्थना करो. ग्रहण करण्यासाठी, वचन ग्रहण करण्यासाठी मदत ऐकतो प्रभू, पण ग्रहण नाही करत. ग्रहण जो करतो त्याला वचनाचा लाभ होतो. तर प्रभू ग्रहण करण्यासाठी मदत कर, ही माझी विनंती, माझी प्रार्थना. दया कर. सत्य वचन आहे तुझं वचन, एक एक वचन सत्य, शुद्ध केलेलं वचन आहे. पूर्ण आगे तो जाऊन अति चोखा शुद्ध चांदीसारखं वचन आहे. त्यामुळे त्यांनी हे घेण्यासाठी मदत कर, ही माझी विनंती प्रभू येशूच्या नावाने. आपल्यावर प्रेम केलं, आपल्या स्वतःला दिलं, त्याने जर त्याचा प्राण वाचून ठेवला असता, अगर उसने अपना प्राण बचा कर रखता, आज आपण इथे नसतो, आज हम यहाँ पर नहीं होते. असतो का? होते क्या? कदापि नाही. कधी म्हणून देण्यामध्ये लाभ आहे, तो देणे में फायदा आहे. म्हणून येशू जिवंत झाल्यानंतर, ऐसरी येशू मसीह जी उठने के 40 दिवस तो या पृथ्वीवर त्याच्या शिष्यांबरोबर होता, और 40 दिन वो अपने शिष्यों के साथ इस पृथ्वी पर. ज्या गोष्टी राहिल्या होत्या शिकवण्याच्या, और जो बातें सिखाने के लिए रह चुकी थी, त्या गोष्टी त्याने त्या 40 दिवसात पूर्ण केल्या. और उन बातों को उसने उस 40 दिन में पूरा किया. पवित्र आत्मा आल्यानंतर अजून ज्या बाकी गोष्टी होत्या त्या पण शिकवण्यात आल्या. और पवित्र आत्मा आने के बाद और जो बाकी बातें थी वो भी सिखाई गई. 40 दिवसांमध्ये येशूने असं शिक्षण दिलं की घेण्यापेक्षा देणं बरं आहे. और 40 दिन में यीशु मसीह ने ऐसा शिक्षण दिया कि लेने से देना अच्छा है, लेने का होता और देने से क्या होता है, बढ़ता है, कभी संपत नहीं और कभी वो खत्म नहीं होता. तसच है ना, देवाचं वचन सांगतं, आपण जेव्हा एखादी गोष्ट देतो, प्रेम देतो, तो प्रेम संपत नाही. तो वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि आप कोई भी वस्तु देते हैं, मतलब प्यार देते, तो वो खत्म नहीं होता. म्हणून प्रियानो, देवाची इच्छा आहे की आपण द्यावं, और इसलिए परमेश्वर की इच्छा आहे की हम देणारे शिकावे, और देणे वाले हम बने, देणारे आपण जेवढे होऊ, और जितना हम देणे वाले रहेंगे तेवढं देवाला आवडतं, और उतना परमेश्वर को अच्छा लागतं. त्याचं मी तुम्हाला एक सुंदरसं छान वचन सांगते, येशू, जसं मी पहिलं तो उदाहरण तुम्हाला सांगितलं येशू ख्रिस्ताचं, और उसका सुंदर उदाहरण मी आपको बता दूं, सबसे पहला येशू मसीह. येशू ख्रिस्ताने आपला प्राण दिला, येशू मसीहने आपला प्राण दिला, तर आपण मिळाले, और उससे हम मिल गए. पण त्याचा प्राण गेला का? और उसका प्राण गया क्या? त्याचा प्राण त्याला पुन्हा मिळाला. उसका प्राण उसको फिर से मिले. योहाना मध्ये तो म्हणतो, और योहाना है वो कहता है, मैं मेरा प्राण अपनी मर्जी से देता हूँ, आणि मी माझा प्राण स्वतःच्या मर्जीने देतो, और उसे मैं वापस भी देता हूँ, आणि त्याला मी पुन्हा सुद्धा देतो, और ये अधिकार मुझे मेरे पिता की ओर से मिला, आणि हा अधिकार मला माझ्या पित्याकडून भेटलेला. स्पष्टपणे तो म्हणतो, और स्पष्ट रीतीने वो कहता है, जो देतो तो वो जो देता है त्याला पुन्हा भेटतो, तो उसको फिर से मिलता है. त्याच्यात सर्वात उत्तम उदाहरण आहे अब्राहम, और उसमें सबसे उत्तम उदाहरण है अब्राहम. परमेश्वरने अब्राहमला त्याचा पुत्र मागितला, और परमेश्वर ने अब्राहम से अपना पुत्र मांगा, त्याचा एकलोता पुत्र, त्याला असं लिहिण्यात आलंय एकलोता पुत्र. जेव्हा की आपण पाहिलं अब्राहमला एक मुलगा अगोदर ऑलरेडी
ऑलरेडी होता। और उसको कहा गया था तेरा इकलौता पुत्र दे देना, देखा गया तो उसको पहले और एक बेटा था, पहले ऑलरेडी एक मूड होता और पहले से उसको एक बेटा था, तरी भी फिर भी आपन पाहतो की तेरा सांगितलं तुझा एक होता एक पुत्र मला दे। हे 22 पे अध्याय तुम्ही उत्पत्ती अध्याय 22 मध्ये वाचू शकता। और उत्पत्ती अध्याय 22 में आप पढ़ सकते की वहां पर बताया की तेरा इकलौता पुत्र मुझे दे। त्याने काय केलं और उसने क्या किया? त्याने आशा ठेवली की हो मी आज देवाला दिला तर देव मला आजून देईल। और उसने आशा रखी की आज मैंने अगर परमेश्वर को दिया तो परमेश्वर मुझे और देगा। त्याने जर तो पुत्र राखून ठेवला असता, अगर अपने आप को वो पुत्र को रख छोड़ता, नहीं नहीं बाबा माझ्या 100व्या वयात झालेला हा माझा मुलगा आहे मी कसा देणार, और मेरे 100 उम्र में मुझे बच्चा हुआ है तो मैं इस बच्चे को कैसे? नहीं नहीं मैं नहीं देना, और मैं नहीं दूंगा। नहीं नहीं मैं नहीं देना। नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा। असं जर म्हणून त्याने जर राखून ठेवला असता मी तुम्हाला सांगते आयझॅक लोटो मेला असता। और ऐसा करके अगर वो संभाल कर रखता तो मैं आपको बता दूं इसहाक जल्दी मर जाता, तो थोड़ा वर्ष जगला असता, थोड़े काल तक जीता नंतर तो गेला असता और बाद में वो मर जाता। पण त्याने देवाला दिला म्हणून आयझॅक त्याला पुन्हा भेटला, पण उसने परमेश्वर को दिया इसलिए इसहाक उसको फिर से मिला। तो म्हणाला देव उपाय करेल, और उसने कहा परमेश्वर आप उपाय करेल। त्याची त्याला त्याच्या मनात काय वाटलेला की शायद मी त्याला मारलं तो शायद पुन्हा जिवंत करेल। और उसके मन में ऐसा था की अगर मैंने इसको मार डाला तो परमेश्वर से फिर से जीवित करेल। त्याला जर मी होमहार पण केलं तर देव त्याला मला त्याच्या ठिकाणी दुसरे एक मूल देईल। और उसे अगर मैंने होम बली करके चढ़ाया तो इसके बदले में परमेश्वर मुझे दूसरा नक्की देईल, पर जरूर देगा। सांगण्याचा उद्देश आहे की देव काय सांगतो जेव्हा आपण देतो तर आपल्याला ते पुन्हा रिटर्न मिळतं। और बताने का उद्देश्य हे की जेव्हा देते हैं तो हमें वो वापस मिलता है, पण कधी देवाच्या राज्यात, पण कब परमेश्वर की राज्यात, परमेश्वर की दिया। बायबल मध्ये एक सुलेमानच्या बद्दल एक त्याच्या बुद्धीची परीक्षा घेण्यात आली, तो किती प्रवीण आणि किती बुद्धिमान होता। और बाइबल में सुलेमान की परीक्षा दी गई थी कि इस मामले में वो कितना बुद्धिमान है, कितना समझदार है। पहला राजा अध्याय 3 अंतर्जल 16 पसु उसका 16 से पहला राजा अध्याय 3 अंतर्जल 16 पसु उसका 16 से अध्याय 3 अंतर्जल 16 पसु उसका 16 से पर अपन तुम्ही 16 पासून वाचा, मी हिला 24 वचन सांगेल। आप 16 से पढ़ो, मैं 24 वचन पढ़ने के लिए बोलूंगी। तेव्हा ज्या बाईचे ते जिवंत मूल होते, हा त्या बाईचे जे जिवंत मूल होते, तिची आतडी आपल्या मुलग्यासाठी तुटून ती राजाला म्हणाली, हा तिचं हृदय अंतःकरण कळवळून भरलं प्रेम मुलासाठी। ती म्हणाली माझे स्वामी जिवंत मुलगा तिला द्या पण त्याला मारून टाकू नका। माझे स्वामी हे जिवंत मूल मारू नका, हे तिला देऊन टाका। इथे दोन बायकांबद्दल गोष्ट आहे। और यहाँ पर दो स्त्रियों के बारे में कहानी है। दोघींना मुलं झाली, दोनों को बच्चे हुए, आणि एक दोघींनी आपल्या बाजूला आपलं आपलं मूल घेऊन रात्रीचे झोपले, और दोनों भी अपने बाजू में अपना अपना बच्चा लेकर सो रहे। ही बाईले गाढ झोप, और ही जो स्त्री जी बहुत देरी नींद में सो रही, झोपताना ती आपल्या मुलाच्या अंगावर झोपली, और सोते समय अपने बच्चे के बदन पर तिचं मूल गुदमरून 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 मरून गेलं। और छोटं बाळ आहे ना, आता तुम्ही बघितलं ना सुरचं बाळ केवढं छोटंच आहे, जन्म झालेली बाळाची छोटीशीच असतात, और जन्म हुआ बच्चा छोटासा ही रहता है, नसतात बड़े नहीं होता। ते किती नाजूक असतात, और वो बहुत नाजूक रहते, खूप कोमल असतात, बहुत नाजूक रहते। तिच्या एवढं मोठा अंगाचं भार त्या बाईचं त्या बाळावर पडेल तर काही ते बाळ जिवंत राहील? और स्त्री का इतना वजन उसके बदन पर गेले के बाद वो बच्चा जीवित रहेगा क्या? म्हणून बाईच्या त्या केअरलेस मुळे, और जो स्त्री है उसको उसने ख्याल नहीं करने के कारण काय झालं ते मूल मिळलं और वो बच्चा मर गया। तिने मध्यरात्री बघितलं की माझं मूल मिळेल माझ्याच मुळे मिळेल, आधी रात्रीनंतर उसने देखा की मेरे ही कारण मेरा बच्चा मर चुका है। तिने ते बाळ चेंज केलं, एक्सचेंज केलं, त्या बाईचं जिवंत बाळ स्वतःकडे घेतलं आणि मेलेलं बाळ तिच्याकडे ठेवलं। और स्त्रीने उस बच्चे को एक्सचेंज किया, जो जीवित बच्चा था अपनी तरफ ले लिया, मरा हुआ बच्चा उसको ले लिया। सकाळी उठल्यानंतर हिने बघितलं की हे बाळ माझं नाही, और सुबह उठने के बाद स्त्रीने देखा की हे बच्चा मेरा नाही। किती मुलं ओढल्या, और कितने बच्चे होणे, प्रत्येक आपल्या मुलाला चांगलं ओळखतं, और हर एक माता पिता अपने बच्चों को बहुत अच्छे से ते पहचान। आरतीच्या समोर 10 मुलं ठेवा, और आरती भाभी के सामने 10 बच्चों को रखा, ती बरोबर तिच्याच महिमेला निवडेल, पर वो अपनी महिमा को बरोबर चुने। ती म्हणे हेच माझं बाळ आहे, और वो कहे की यही मेरी बेटी, तिच्या सारखीच दिसतात, लहान बाळ सगळी सारखी दिसतात, और छोटे बच्चे सब समान दिखते हैं। कन्फ्यूज होऊन जाऊ, और कन्फ्यूज हो जाएंगे, आया नाही कन्फ्यूज हो, पर माँ कन्फ्यूज नहीं होते, वडील कन्फ्यूज होत नाही, और पिता कन्फ्यूज नाही, त्यांना माहित असतं कोणतं माझं बाळ आहे, और उनको मालूम है मेरा बच्चा कौन सा, माझं बाळ आहे, और ये मेरा बच्चा है। नर्सेस कन्फ्यूज होऊन जातात, और नर्स भी कन्फ्यूज हो जाते, म्हणून त्यांच्या हाताला
ते हे बांधतात लेबर ले रबर बांधतात ना काय बांधतात त्याच्यावर नंबर का लिहिला जातो त्यासाठी की बाल एक्सचेंज होऊ नये अजून की हा त्याचा नंबर बांधी क्यू लिखा जाता है क्योंकि वो बच्चा एक्सचेंज नाही कारण त्यांचं मूल नाही ना ते और वो उनका बच्चा नाही म्हणून ते गफला करू शकतात अजूनही वो गफला कर सकते मुलं एक्सचेंज होऊ शकतात और बच्चे एक्सचेंज कर सकते त्यांचा जन्म झाल्या झाल्या त्या बाळाच्यावर खातेचा नंबर किंवा त्यांचा तो काही कोड असेल तो लिहितात अजूनही हात किंवा खाटचा नंबर या फिर उनका जो कोड रहता है वो लिखते हैं आणि ते बाळ पण आई आणि वडिलांचं कसं नसतं पण माता पिता तो वैसे नाही होता की आपल्या बाळाला बघतात हे माझं बाळ नाहीये और वो अपने बच्चों को ही देखकर बोलते हैं कि मेरा बच्चा नहीं तसच त्या बाईनी पण ओळखले हे बाळ माझं नाही और वैसे उस स्त्री ने भी समझ लिया की मेरा बच्चा त्यांचा न्याय निवाडा सुलेमानाच्या बुद्धीच्या पुढे गेला और उनका न्याय सुलेमान की बुद्धि के सामने गया म्हणाली हे माझं आहे और उसने कहा ये मेरा जीवंत बाळ माझं आहे जीवित बच्चा मेरा मेरेला बदल कोणच देखरेख करत नाही और मरे हुए बच्चे के बारे में कोई भी ख्याल नहीं करता मेरेला बदल कोणाला नाही पाहिजे पर वो बच्चा किसी को नहीं चाहिए जीवंत आहे त्याच्यासाठी या दोघी भांडतात और जो जीवित आहे उसके लिए दोनों झगड़ा कर रहे हैं शेवटी सुलेमान ने सांगितलं की दोन्ही बाळाचे तुकडे करा आग हिला दे आग हिला दे आखिर में सुलेमान ने कहा की बच्चे के दो टुकड़ा कर दो और एक आधा इसको तो आधा इसको दे दे जिसका बाळ नव्हतं ती म्हणाली हो हो टुकडे करा और जिसका वो बच्चा नहीं था उसने कहा इसका टुकड़ा कर दो बाळ होतं तिला कळवळा आला और जिसका बच्चा था उसको बहुत उसके ऊपर दया आई तिने तिने म्हणाली देऊन टाका तिला और उसने कहा दे दो उसे तिने आपलं मूल दिलं और उसने अपना बच्चा दिला याचा अर्थ असा नाही ती हारली और उसका अर्थ ऐसा नहीं की वो हार गए तिला तिचं बाळ मिळालं आहे की जीवन और उसको अपना बच्चा फिर से मिला वो भी जीवे फिर से बाद में मिला पण तिचं बाळ जिवंत राहिलं जिवंत आहे हे तिला मिळणं हेच तिच्यात तिला विक्ट्री आहे त्याच्यातच ती विजयी आहे और उसका बच्चा उसको जीवित मिळणार उसमें ही उसका विजय आहे खरं म्हटलं ती हारली नाही और वो हारी नाही की तिने आपलं बाळ तिला दिलं की उसने अपना बच्चा उसको दिया त्याचा अर्थ हारणं नाही और उसका अर्थ हारणं नाही परंतु ती विजयी झाली कारण तिच्या डोळ्याच्या समोर तिचं मूल जिवंत राहील और वो विजयी हो गई क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसका बच्चा जीवित है त्याच रीतीने जसं सुलेमानाने पाहिलं की ती म्हणते नाही हिला देऊन टाका काय झालं त्याच्यानंतर सुलेमानाने म्हणाले आज बाईला हे मूल द्या काय झालं तिने ते बाळ दिलं आणि तिला तेच बाळ पुन्हा मिळालं म्हणजे दिल्याने पुन्हा ती वस्तू आपल्याकडे रिटर्न येते और देने की बात फिर से वो वस्तु हमारे पास रिटर्न आती है म्हणून आजचा सांगण्याचा उद्देश काय आहे और आज का बताने का उद्देश क्या आहे देव हे चाहतो की आपल्या प्राणापेक्षाही जास्त देवाला प्रेम करा स्वतःच्या सगळ्या गोष्टी ज्या तुम्हाला आवडीच्या आहेत प्रिय आहेत ज्याला तुम्ही सोडू शकत नाही ते तुम्ही द्या कारण आपल्या जीवास मुकू नका और अपने प्राण से भी बढ़कर आप परमेश्वर को प्यार करो और जो बातें आपको अच्छी लगती है आपको बहुत प्यारी है वो बातों को आप दे दो तुम्हारा देव दी और आपको फिर से वो परमेश्वर कभी कभी ख्रिस्ता साठी आपल्याला काय करावं लागतं ख्रिस्ता साठी आपल्याला कभी आपल्या प्राणाच्या बदल आपला प्राण प्राण मध्ये तीन वस्तू आहे और हमारे प्राण में तीन वस्तू आहे एक मन मन दुसरा आहे इच्छा दुसरा आहे इच्छा तिसरा आहे भावना और तिसरी भावना प्राणाबद्दल येशू म्हणाला प्राणामध्ये ह्या तीन वस्तू आहेत और प्राण मी हे तीन बात आहे आपण आपल्या मनाचं करतो और हम हमारे मन का करते हैं बरोबर आहे सही देवाची इच्छा आहे की तुम्ही तुमच्या मनाच्या विरुद्ध गेला पाहिजे तुम्ही तुमच्या मनाच्या विरुद्ध जाऊन मला जे आवडतं ते तुम्ही केलं पाहिजे और परमेश्वर की इच्छा आहे की आप अपने मन के विरोध में जाकर जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वो आप करें इच्छा इच्छा तुमची कधी कधी इच्छा असेल मला चर्च में नाही आहे और आपकी इच्छा रहेगी की मुझे चर्च में नहीं जाना तुमच्या इच्छेच्या विरुद्ध तुम्ही जाऊन देवाची इच्छा पूर्ण केली पाहिजे आणि इच्छे देवाची इच्छा पूर्ण केली पाहिजे और आपकी इच्छा के विरोध में जाकर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहिए और मने में आना चाहिए भावना और भावना भावना आहेत कधी कधी आपल्याला भावना येतो हसतो कभी कभी हसते हैं रोते हैं राग करतो गुस्सा करते हैं कडू बनाने भरतो कडवाट से भरते हैं क्षमा नहीं करते दया नहीं करते हाँ सगळ्या भावना है और ये सब हमारी भावना है ना ये भावना है और ये भावना है लागलो मला और मुझे लगा है ना बरोबर आहे ह्या सगळ्या भावना आहेत और ये सब कुछ भावना है पण ह्या सगळ्या भावनांच्या विरोधात कधी कधी आपल्या भावना आपल्याला ख्रिस्ताच्या विरोधात नेतात और कभी कभी हमारी भावनाएं हमें परमेश्वर मसीह के विरोध में लेकर देवाच्या वचनाच्या विरुद्ध नेतात परमेश्वर की वचन के विरोध में लेकर त्याच्या विरुद्ध म्हणून सांगितलंय देव म्हणाला जो कोणी माझ्यासाठी आपला प्राण मुकेल और तो पुन्हा प्राप्त करेल और इसलिए परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो फिर से उसे प्राप्त करेगा आपल्याला आता कोण ख्रिस्तासाठी मागणार नाही और अभी मसीह के लिए हमें कोई मांगने वाला नहीं मागणार आहे का मला मागायला आलं तर आपण काय करू और मांगने के लिए कोई आया तो हम क्या करेंगे हा
आपण पण धरा मार पहिलं उत्तर. अजून वचन के हिसाब से देखेंगे तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें एक कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी थप्पड़ खा सकते हैं. उस हिसाब से देखेंगे तो हमको मार खा के लेना आत्मिक रीति से. और वैसे देखेंगे तो फिर अभी हमारी गलती नहीं है, हम प्रभु का काम कर रहे हैं. और नॉर्मल रीति से देखेंगे, शारीरिक रीति से, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे तो हम भी उसको मार सकते हैं. आत्मिक रीति से मार खा के लेना है. बरोबर आहे, तुमची उत्तरं तुमच्या जागेवर तुमची बरोबर आहे. तेच तुम्ही विचारते ना की तुम्ही बोललं पाहिजे, बोला तुम्ही, बोला तेव्हा तर हे होईल ना. अजून जेव्हा मंडळीमध्ये होतं त्यावेळेला तर बरोबर आहे, आपल्याला स्टँड पॉवर उभं राहायचंय. अजून कलिसियामध्ये होत आहे तर आम्ही खडा राहणार नाही. पण कधी समजा बाय चान्स कधी पकडण्यात आले बाहेर रस्त्यावर, अगर बाहेर कधी पकडणे मी आहे, एकदाच पकडतात लक्षात ठेवा, अकेले मी पकडते. तुम्ही जेव्हा झुंड मध्ये असताना और आप झुंड में रहते हैं तेव्हा ते कधी अटॅक करत तर वो आप पर हमला नहीं करते. नेहमी लक्षात ठेवा, जेव्हा एकट्याच असतात ना जेव्हा तेव्हा त्यांना पकडण्यात येतात. जब मसीह अकेले रहता है तब उसको पकड़ते. मग त्यावेळेला त्यांना मारलं जातं आणि त्यांचे हात पाय बांधले जातात. म्हणतात बोल येशूचा नकार करतोस का. और उस समय उनको बांधना चाहता है और उनको मार कर पूछते हैं कि बोल तो यीशु मसीह का इनकार करना है क्या. हाँ तो समझो उदाहरणार्थ दिला सग लोग पकड़ ले और उदाहरण के तौर पर सब लोगों ने इसे पकड़ लिया, दिला मार ले और इसे मारा है. अरे आता सांग नहीं तो बहुत तुझे छाती छाती पाटी तुला तो चाकू घुसे अरे पेट में छुरी घुसाएंगे. आता हिला कौन नहीं बगाएगा और इसे देखने के लिए कोई नहीं. जब ये नकार दिला अगर इसने इनकार किया कौन है, आपण आहोत का और हम है क्या देखने के लिए. कोणी नाही, कोई भी नाही. मला नकार दिला अगर इसे इनकार किया. अरे बाबा आता मला चाकू मारणार, मला मी मरून जाईल. तर तिचा ती म्हणे प्राण वाचवायचा प्रयत्न करेल. अगं आपले प्राण को बचाने की कोशिश करेगी. पण तिने जर आपला प्राण, तिने जर सारा नकारलं पण अगर उसने मसीह का इनकार किया तर तिचा प्राण तिला मिळाला. उसका प्राण उसको मिल गया. परंतु तिने सार्वकालिक जीवन गमवलं और उसने अनंत काल का जीवन खो दिया. जे जीवन तिला सदैव काळासाठी मिळणार और जो उसको अनंत काल के लिए मिलने वाला है त्याच्या स्त्री मधी और वो उसने उसको गवा दिया. पण समजा ती बोलली काय होणार ना, छोड ईश्वरा, छोड ईश्वर, राणी असून करतेस, राणी होकर करती है, नहीं छोड़ोगे, गला कापेल तुझा, नहीं छोड़ोगे, सांग, नहीं छोड़ोगे, कच्चा, लाजा, अभी मुझे क्या लगेगा, अरे मतलब मैं बड़े, ये तो मर गई, अरे तो मेरी, मर गई, मर मर गई आदमी मेरी है ना, मैंने इसका प्राण लिया अरे इसका प्राण लिया मर गई ना मेरी ये. लेकिन मरी है क्या, बलि मिलेगा नहीं, मैं ये हमेशा के लिए जिंदा है. अब उठ जा, देखो जिंदा है अरे जिंदा क्योंकि प्रभु प्रभु में दिया गया प्राण और देवा मने दिए प्राण कभी भी व्यर्थ नहीं जाता. कभी व्यर्थ जाता हम तुरंत उठते हैं आणि आपण लगेच उठतो. बहुत बार मैं आपको बताती हूँ, मैं एक गुप्त बात जो मैं आपको खास बताना चाहती हूँ, याद रखो जब हम मसीह के लिए मार खाते हैं तो हमें मार नहीं लगता. जब आप ख्रिस्ता साड़ी मार खा तो आपको मार नहीं लगता, ये हमेशा याद रखें. ये नहीं भी लक्षा के फीलिंग्स जो मार की जो जैसे मैंने चिमटा लिया हमें जोर से चिल्लाए वो जो दर्द होता है ना वो दर्द हमें इतना नहीं लगता है. आणि चिमटा घेतल्याच्या नंतर जो आपल्याला त्रास होतो दुख तो त्रास आपल्याला त्यावेळेस होत नाही. क्योंकि उस समय प्रभु हमें महिमा में भरा हुआ रहता है, हम आत्मिक रीति से रहते हैं. आणि त्यावेळेस देवाने आपल्याला गौरवांमध्ये भरलेलं असतो आणि आपण आत्मिक असतो. आत्मा में जो रहता है उसे शरीर की क्रियाओं पर जो कुछ होता है उसका एहसास नहीं होता. आणि जो आत्म्यामध्ये असतो त्याच्या शरीरावरती ज्या काही क्रिया होत असतात त्याला त्याची जाणीव होत. अभी जिन जिन्होंने मार खाया है ज्या ज्या लोकांनी मार उदाहरण मसाले भाई को जब नेरल में वो प्रचार कर रहे थे मसाले अंकल जब नेरल में प्रचार कर रहे थे उनको मारा था मारना होता तो जब मारा था तो उन्होंने मुझे गवाही बता रहे थे कि उन्होंने मुझे मारा लेकिन दीदी मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ा मारा. आणि त्यांनी मला साक्षी सांगितली की त्या लोकांनी मला मारलं पण मला जाणीव नाही झाली की मला मुझे मालूम है ऑलरेडी प्रभु का आत्मिक वचन मुझे मालूम है आणि देवाचं आत्मिक वचन मला माहित आहे की जब
लेकिन हम मसीह के लिए मार खाते हैं। जब अपन ख्रिस्ता साठी मार खातो तो अभी अगर लोग मगी दारू पी के आया फिर मारा तो मार लगेगा। जर नवरा दारू घेऊन आला आणि जर त्यांनी मारलं तर तो मार लागेल। हा लेकिन वो मैं आपको फरक बता रही हूँ। लेकिन जब प्रभु के लिए हमें मार मिलता है जेव्हा देवासाठी आपल्याला मार भेटतो उस समय वो दर्द हमें एहसास नहीं होता आणि त्यामुळे त्या त्रासीची जाणीव आपल्याला होते। चाकू काटा भी है, छोटे छोटे बच्चों को भी मसीहों के लिए काटा है आणि लहान लहान मुलांना पण ख्रिस्तासाठी मारून टाकण्यात आले। जहां जहां मसीह सताव हुआ आणि जे जे ख्रिस्ती लोकांना उसी घड़ी उनका प्राण उन्हें मिला पण त्याच वेळेस त्यांना तो प्राण पुन्हा बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह ने बहुत दर्द उठाया हमारे प्राण के लिए। बहुत दर्द की लिखा है कि वो चिल्लाकर उसने प्राण त्यागा। आणि बाइबल आपल्याला सांगते की येशू ख्रिस्ताने आपल्यासाठी खूप दुःख सहन केलं आणि त्याने ओरडून आपला प्राण सोडला। इसलिए हमारा प्राण जाते समय मसीह में चिल्ला के नहीं जाता आणि म्हणून आपला प्राण ख्रिस्तामध्ये जात असताना तो ओरडून जाणार नाही जाता आणि त्रासेत न जाता येशू ने उठाया। कारण येशू ने उठाया सारा दर्द और चिल्लाहट और दुःख उठाया आणि येशू ने सगळं दुःख त्रास आणि ओरडणं सहन केलं। इसलिए मसीह के लिए प्राण देने के लिए भी खड़े रहो आणि म्हणून ख्रिस्तासाठी जीव द्यायला पण तयार राहा। लेकिन वो तो हम कर लेंगे आसान है ना उसमें क्या। हाँ बाबा मार मारे से ना एक दिवस में मारना रहते मारूंगा हो गया काट दिया मर गए आने का बोला आने मिला। लेकिन रोज रोज हमें मारना है पर रोज रोज आप लोग मारे। सेकंड अर्थ प्रिय उसका अर्थ है मसीह जीवन यानी मरना जीवन आने क्रिस्ती जीवन मुझे मरना जीवन। आप प्रियानो क्योंकि हम मसीहों को डेली रोज रोज मरना होता है आणि ख्रिस्ती लोकांना रोज मरावं लागतं। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना रहता है हमारे उन अभिलाषाओं को हमारे मन को हमारी इच्छाओं को हमारी भावनाओं को हमें मारना पड़ता है हमारे मसीह की आज्ञाओं का पालन करने के लिए। क्योंकि यीशु ने क्या कहा मुझे अनुसरण करने के लिए तो प्रभु को अनुसरण करने के लिए कभी कभी हमें मरना जरूरी होता है। आणि देवाचं अनुकरण करत असताना आपल्याला मरण गरजेचं असतं। हम कुछ वचन को पढेंगे काही वचन आपण वाचू म्हणजे आपको समजेगा मला समजेल। पहिला हम वचन पढेंगे पहिला वचन वाचू गलतियों की पत्री अध्याय 5 उसका 24 वचन गलतीकरणचं पत्र अध्याय 5 त्याचा 24। हां तो प्रेमाचे साधन आहे मरणे और प्यार का साधन है मरण। हां प्रभु ने हमसे प्यार किया और परमेश्वर देवाने आपल्याला प्रेम केलं इसीलिए वो मर गया आणि म्हणून तो मेला। तो इसीलिए हम मसीह होना भी आणि म्हणून आपण ख्रिस्ती मरना जरूरी है मरण गरजेचं आहे। अभी अगर मेरे अंदर ऐसा मेरा मन है दूषित मन बुरा मन दुष्ट मन कपटी मन तो मैं मर गई हूँ क्या। आणि माझं मन जर दूषित आहे वाईट आहे घाणेरडं आहे तर मी मेले का मैं मर गई हूँ मी मेले। मैं मसीह में नहीं मरी हूँ आणि मी ख्रिस्तात नाही मैं अभी भी जिंदा मी अजूनही जीवन मैं पण जिंदा आणि मी पण जीवन मेरा प्राण अभी तक मैंने येशू को नहीं दिया आणि माझा प्राण मी अजूनही येशूला नाही दिलाय। पाप में मैं मर चुकी हूँ आणि मी पापात मेले मेरा आत्मा मरा हुआ माझा आत्मा मेलेला आहे लेकिन मेरा प्राण नहीं मरा पण माझा प्राण नाही मेलाय। प्राण मरना जरूरी आणि प्राण मरण प्रभु क्या चाहता है तुम अपने प्राण को दे दो आणि देव काय म्हणतो तुम्ही तुमच्या प्राणाला द्या। प्राण आयझॅक अब्राहम का प्राण था वो आयझॅक के बिना जी नहीं सकता था वो मर जाता आणि अब्राहमचा जीव इसहाका मध्ये होता आणि इसहाका शिवाय तो जगू शकला होता। उस स्त्री का प्राण था उसका छोटा सा बच्चा वो बच्चा उसका प्राण था वो अगर वो बच्चा मर जाता वो औरत भी मर जाती। आणि त्या स्त्रीचा जीव होता ते लहान मूल जर ते मूल मेलं असं तर ती पण मेली असते। लेकिन अब्राहम ने अपने प्राण को प्रिय न जानकर परमेश्वर को दिया पण अब्राहम आणि स्वतःच्या प्राणाला प्रिय न जाणता त्याने देवाला दिलं बेटे को दे दिया आणि मुलाला देऊन उसे वो प्राण वापस मिला आणि तिला तो प्राण पुन्हा भेटला उसे याने अब्राहम को म्हणजे अब्राहमाला और उस बेटे को भी उसने उस स्त्री को दे दिया आणि त्या स्त्रीने त्या मुलाला देऊन टाकलं इसलिए उसे वापस उसका बेटा मिला आणि म्हणून तिला तिचा मुलगा पुन्हा भेटला। वैसे ही प्रिय याद रखो हमारा प्राण जिसमें मन भावना इच्छा ये तीनों बातें हैं इसे मरना दिन प्रतिदिन ये जरूरी है आणि आपल्या प्राणामध्ये मन भावना इच्छा ह्या रोज रोज मरण गरजेचं आहे। मी अर्थ आपको बताते त्याचा अर्थ तुम्हाला सांगेल वचन पडलेले पहिले वचन वाचूया 5:24 जे ख्रिस्त येशूचे आहेत जे येशू ख्रिस्ताचे आहेत त्यांनी विकार व वासना यांच्यासह देह स्वभाव वदस्तंभावर ठेवला आहे। हा त्यांनी काय केलेलं आहे
विकार व वासना, हाँ विकार आणि पाप आणि वासना यांच्यासह देह स्वभाव, आपला देह स्वभाव, देह स्वभाव म्हणजे देहाची काम, तुम्ही गलतीकरणचं पत्र 5:19 मध्ये वाचू शकता, तिथून देहाची काम, देहाकडून निघणारे, आता देहाकडून काय काय निघतो, राग, अशरीचे काय निघतात, झगडा, गुस्सा, गुस्सा, क्षमा, क्षमा, अक्षमा, अक्षमा, दलबंदी, अर्धलभूत, विधर्म, विधर्म, बदला घेणं, बदला लेना, सूड घेणं, और बदला लेना, या सगळ्या गोष्टी, दारू, रंगेलबाजी, रंगेलबाजी, मूर्तिपूजा, मूर्तिपूजा, जादूटोणा, जादूटोणा, व्यभिचार, व्यभिचार, तिरस्कार, तिरस्कार, या सगळ्या गोष्टी देहातून निघतात, शरीरातून, ये सारी बातें शरीर के अंदर से निकलती, त्याच्या सकट और उसके साथ वजन स्तंभावर खिळलेला आहे, हा वजन स्तंभावर काय झालेलं, आपण खिळलेलो म्हणजे मेलेलो आहोत, मरण गरजेचं आहे, त्या गोष्टी आपल्याकडून झाल्या नाही पाहिजे, रोमांचे नाही होणे चाहिए, रोमग्रांचं पत्र, रोमिओ की पत्री 6:5, अक्षय का 5, रोमन्स, रोमिओ की पत्री 6:5, कारण जर आपण त्याच्या मरणाच्या प्रतिरूपाने त्याच्याशी संयुक्त झालो आहोत, त्याच्या मरणामध्ये उसके मृत्यू मे हम क्या हो गए है, संयुक्त झालो आहोत, उसके साथ जुड़ गए है, अब यीशु नहीं मरा, यीशु के साथ साथ हम भी मर गए, इसलिए तो पौलुस कहता है मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अभी इसका अर्थ है जैसे उदाहरण सोचो मैं यीशु, अरे उदाहरण मैं यीशु के बोलते सोचो ये यीशु है, अरे ये यीशु है और ये क्रूस पर तो चढ़ाया गया है, अब यीशु चढ़ गया है, मर गया है, लेकिन उसमें मैं भी हूँ, आप भी हो, हम सभी यीशु मसीह में, आपको समझ में आया, उसका अर्थ है यानी संयुक्त, यानी जुड़ गए हैं उसके मौत के साथ, तर त्याच्या उठण्याच्याही प्रतिरूपाने त्याच्याशी संयुक्त, तो यीशू जी उठा, कैसे जी उठा, महिमा में ना, आणि येशू गौरवामध्ये जिवंत झाला, तो वैसे हम भी महिमा में जिए और वो काम करे जो येशू मसीह ने किए, आणि आपण पण गौरवामध्ये चालव आणि ती काम करायची जी येशू ने केली, कुलसियों की पत्री 3:3, कलसीकरांचा पत्र आहे 3:3, कोलेशियन्स, कुलसियों की पत्री, कलसीकरांचा पत्र 3:3, कारण तुम्ही मृत झाला आहात, हा मेलेला आहात, तुमचा प्राण मेलेला आहे, लगेच आई बाबा सगळ्यांशी तुमच्या मनाच्या विरुद्ध देवाच्या मनाच्या विरुद्ध म्हणजे देवाचं वचन सांगतं, पण तुमच्या मनाचा हक्क तुम्ही करता का देवाच्या वचनानुसार करता, और परमेश्वर का वचन कहता है तो आपके मन के अनुसार आप करते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं, इच्छा, इच्छा तुमच्या अजून जागृत आहेत का, और आपकी इच्छा अभी भी जागृत है क्या, का तुमच्या इच्छा तुम्ही देवाला दिलेल्या आहेत आणि तुम्ही देवाचीच इच्छा पूर्ण, या आपने अपनी इच्छा को परमेश्वर को दे दिया और परमेश्वर की इच्छा को आप गाना तो हम गाते हैं, गाना तो हम गाते हैं, इच्छा पूरी हो आज से मैं
क्योंकि हम तेरी इच्छा पूरी हो जाए बोलेगा तो हम बोलेंगे आज नहीं जाएंगे चर्च में, आज मेरी इच्छा नहीं है, आज घर में मेहमान आने वाले, आज शादी को जाने का है, आज बच्चों को मिलने के लिए जाना है, आज इधर जाना है। प्राण लिया बहुत सारी इच्छा है, आज हम प्रभु को दशांश नहीं देंगे, आज सारी इच्छा आज देवाला दशांश नहीं, आज इसके साथ बात नहीं करेंगे, आज आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं इसके साथ, इच्छा नहीं इसके साथ बात, आज मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं जैसे बोला है ना। हम सिर्फ गीत गाते हैं, अपन फक्त गीत गाते, लेकिन ओरिजिनलिटी में प्रभु की सचमुच इच्छा पूरी करते हैं, हकीकत मध्य खरच देवाची इच्छा पूर्ण करते हैं, हमारा प्राण कुछ बातें चाहता है कि नहीं ये करने से ही तुझे अच्छा लगेगा, इससे मैं बात नहीं करूंगी, मैं इससे नाराज हूँ, मैं इससे बात नहीं करूंगी, मुझे अच्छा लगेगा, प्रभु कहता है सूर्य अस्त होने से पहले मुझे इससे मेल मिलाप कर लेना चाहिए, इससे बात कर लेना चाहिए, अंडे तो सूर्य अस्त होने से आत्मा ने मेल मिलाप करा से बोला, और जब मैं मेरे प्राण को मैं इस दे देती हूँ प्रभु के लिए, जब मैं स्वतः प्राणा देवा दे और इससे समेट कर लेती हूँ, समेट कर बात करती हूँ, बोला क्या हो जाता है, ये मुझे मिल जाता है, मेरा प्राण मुझे वापस मिलता है, और मेरा प्राण के अंदर जो गुस्सा कड़वाहट बैर दुश्मनी जो कुछ बैठी थी वो सब निकल कर शुद्धता पवित्रता धार्मिकता आने लगती, प्राण मेरा पुनः भेटो, प्राणा जे का गोड़पना होता राग होता तो सर्व निघून जातो, आणि शुद्धता आणि पवित्रता माझ्या मध्ये, मन मेरा नहीं बाइबल पढ़ने का, आणि माझं मन नहीं बाइबल, प्रार्थना करने का बिल्कुल मन नहीं, प्रार्थना करायचं बिल्कुल मन, उपवास करने का मेरा मन नहीं, आणि उपवास करायचं माझं, यानी मैं मेरा प्राण प्रभु के लिए नहीं दे रही, आणि म्हणजे मी माझा प्राण देवाला, प्रभु चाहता है हम हमारे प्राण को मुके, यानी परमेश्वर को दे, देवाची इच्छा है कि आपण आपला प्राण देवाला द्यावा, परमेश्वर की इच्छा है, आणि देवाची इच्छा आहे प्राण परमेश्वर को समर्पित करेंगे तो हम वापस उसे पाएंगे, आणि आपण आपल्या प्राणाला देवाला समर्पित केलं तर पुन्हा ते आपल्याला, हम उसे बचाना चाहेंगे, नहीं नहीं ये मेरा है, मैं नहीं दूंगी तो हम नहीं पा पाएंगे, वापस उसे हम पाना है, आणि जेव्हा आपण ते स्वतःसाठी राखून ठेवले तर आपल्याला पुन्हा नाही भेटणार, पण आपल्याला हे प्राप्त करायचं आहे, मसीह में मरना जरूरी है, प्रिय ख्रिस्तात मरण गरजेचं आहे, कारण तुम्ही मृत झाला आहात आणि तुमचे जीवन ख्रिस्ता बरोबर देवामध्ये गुप्त ठेवलेले आहे, हाँ अभी हमारा जीवन, अभी हमारा जीवन मसीह में छुपा हुआ है, आणि आपलं जीवन ख्रिस्तामध्ये लपलेलं आहे, और मसीह हम में से दिखना चाहिए, आणि ख्रिस्त आपल्यावरून दिसला, हमारे द्वारा दिखना चाहिए, आपल्याद्वारे दिसला, येशू जी उठने के बाद कोण दिखाई दिया, आणि येशू जिवंत झाल्याच्या नंतर कोण दिसण्यात आला, येशू ना, येशू बराबर है, तो वैसे ही हम मरे हुए हैं, तो अब हमारे अंदर यीशु मसीह जिंदा है, तो फिर हमें कौन दिखना चाहिए, मिले हो तो मैं आपने दोरे कौन दिखना पाए, यीशु यीशु, तो हमारे बोली से हमारे चलने से हमारे व्यवहार से हमारे हर काम से मसीह दिखना चाहिए, हम मरे हुए रहने चाहिए, हमारा मैपन हमारा अहंकार हमारा घमंड हमारा भावना हमारी इच्छा हमारे भावना इच्छा मन इन सबको हमें मारना है, और जो परमेश्वर कहता है जो प्रभु कहता है उसे कहना है, आणि आपण आता मिलेलं आहोत आपल्याद्वारे ख्रिस्त दिसला पाहिजे, मग आपलं मन इच्छा भावना हे सगळं मिलेलं असलं पाहिजे, आणि आपल्याद्वारे ख्रिस्त दिसला पाहिजे, तब प्रभू कहता है वो मेरा सेवक है और जहां मैं हूं वहां वो रहेगा, आणि तेव्हा देव म्हणतो की तो माझा सेवक आहे आणि जिथे मी असेन तिथे तो सुद्धा असेल, जहां मैं रहता हूं जहां मैं हूं वहां वो मेरी सेवा करेगा, आणि जिथे मी आहे तिथे तो माझी सेवा, यदि ऐसे रीतीने तुम मेरी सेवा करे, जर अशा रीतीने तुम्ही माझी सेवा केली, मेरे पीछे बोले माझ्या मागे, जहां मैं हूं जिथे मी वहां मेरा सेवक भी होगा, सेवक, और यदि ऐसे तुम मेरी सेवा करोगे अशी जर तुम्ही माझी सेवा केली तो मेरा पिता उसका आदर करेगा, माझा पिता त्याचा आदर, प्रभु चाहता है प्रियो आपके प्राण को अच्छा नहीं भी लगता है लेकिन जो वचन कहता है उसके अनुसार करो, आणि जर तुमच्या प्राणाला कोणती गोष्ट नाही आवडली तरी सुद्धा देवाचं जे काही वचन तुम्हाला म्हणतो तसं तुम्ही करा, प्राण प्रभु को लिए देने के लिए तयार, आणि प्राण देवाला देण्यासाठी तयार, देखो इस रीतीने सीधा प्रभु के लिए मरना एकदम आसान है, आणि अशा रीतीने मरण देवासाठी आपल्यासाठी सहज, मसीह जीवन बोलला तो डेली मरण है, आणि ख्रिस्त जीवन म्हटलं तर रोज मरण, जब तक आपका
सांस बंद नहीं होता है, हमें मरा हुआ ही जीवन जीना है। जोपर्यंत आपला श्वास है तो मेरे ना जीवन जगाए, मरा हुआ जीवन वैसा है जिसमें प्रभु की इच्छाओं को हम पूरा कर सके, मसीह को प्रकट कर सके। मेरे ना जीवन असर की ज्यादा द्वारा अपन ख्रिस्ता की इच्छा ख्रिस्ता प्रकट करू। अभी मुझे बताओ आपको कौन दिखता है? आता मैं संगा तुम्हारा कौन दिखता है? अभी कौन दिखता है? आता कौन दिखता है ना? तो वैसे ही आप छुपे हुए होने चाहिए, तसा देवा मध्ये लपलेले असले पाहिजे, आप छुपे हुए होने चाहिए, लपलेले असले पाहिजे, मसीह दिखना चाहिए, ख्रिस्त दिसला पाहिजे। ये प्रभु की इच्छा है, ही देवाची इच्छा है। इसलिए आपका मन के विरुद्ध आपके माता पिता कुछ करेंगे, भाई बहन कुछ करेंगे, आपके अगेंस्ट कुछ करेंगे, तो भी आपके मन के विरुद्ध फिर भी आपको उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। तुमच्या मनाच्या विरुद्ध तुमच्या घरातील लोक आई वडील भाऊ बहिणी तुमच्या विरुद्ध काही करतील पण तुम्हाला ते सर्व सहन। हमारे येशू के भाई लोगों ने येशू पर विश्वास नहीं किया, येशूच्या भावांनी येशू पर विश्वास पागल रहा, वेडा बोला वो पागल हो गया है। ऐसे पड़ा ना, पड़ा है ना, उसके भाई लोग ऐसे ही बोले ना, अंदर भाव अशीष, बड़े भाई को ऐसा ही बोला ना, मोटे मामला अशीष, लेकिन फिर भी उसने अपने भाइयों से प्यार किया, तरी सुधा तेने अपने भाव अपने बहनों से प्यार किया, अपने बहनी ने प्रेम। हम भी यीशु मसीह को लताए हुए लोग, आपन पण येशू ख्रिस्ताला नकारलेले लोक, ठुकराए हुए लोग, त्याला ठुकरवलेले लोक, त्याचा अपमान केलेले लोक, हमको प्रभुने ग्रहण किया, पण आपल्याला देवाने स्वीकार किया, आणि आपल्याला स्वीकार केला खुद से। मसीह का स्वभाव ऐसा है कि उसके मन, उसका मन शुद्ध मन है, तो हमारा भी मन मसीह का मन होना, आणि ख्रिस्ताचं मन शुद्ध आहे, मग आपलं पण मन शुद्ध असलं, हमारी इच्छाएं अच्छी होना, मसीह की इच्छा पूरी करना, आणि आपली इच्छा चांगली असली पाहिजे, ख्रिस्ताची इच्छा पूर्ण, हमारी भावनाएं भी अच्छी होनी चाहिए, आणि आपली भावना चांगली असली पाहिजे। तो आज हमारा वचन यही कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, एक दो अपने आप को दे डालो, किसी के सामने झुकना पड़ा, किसी के सामने गिरना पड़ा, या उस व्यक्ति को पाने के लिए अगर आगे बढ़ना भी पड़ा, तो याद रखो उसमें आप खुद को भी पाते हो और उन्हें भी पाते हो। तुम्ही पहिली गोष्ट देव तुम्हाला शिकवतो, तुम्ही स्वतःला द्या, आणि जर दुसऱ्या व्यक्तीला प्राप्त करण्यासाठी तुम्हाला झुकावं लागलं तर ते तुम्ही करा, तुम्ही स्वतःला पण प्राप्त करता आणि त्यालाही प्राप्त करता। दुसरी बात, अपने प्राण को प्रिय मत जानो, आणि दुसरी गोष्ट स्वतःच्या प्राणाला प्रिय जाणू नका, इसका मतलब दिन प्रतिदिन अपने प्राण को डेली मारो, आणि दिवस प्रतिदिवस तुम्ही स्वतःच्या प्राणाला रोज मारा। ऐसा तो हम प्राण नहीं लेना है, आणि असा प्राण आपण नाही घ्यायचा, सुसाइड नहीं करना है, आत्महत्या नहीं करायची। अब ट्रेन के नीचे जाके बोला है, दीदी ने बोला है प्राण दे दो, बोल तो जाके ट्रेन के नीचे ऐसा करके आ रही ऐसा नहीं देना, आणि दीदीने सांगितले प्राण द्यायचे म्हणून ट्रेनच्या खाली समोर जाऊन उभा, आत्मिक रीतीने मरना, आणि आत्मिक रीतीने मरा, ऐसा मतलब है प्राण में जो आपको विरोध करती है परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को चलने के लिए विरोध करती है, उसे मारना। आणि तुमच्या प्राणामध्ये जो कोणी ख्रिस्ताच्या आज्ञेचं पालन करायला मना करते किंवा देवाची इच्छा पूर्ण करायला मना करतात त्याला मारना। अगर मेरा मन, मेरा प्राण बहुत आस करता है ज्यादा मांस खाने की, अरे मांसा प्राण जैसा आस चाहिए तो लड़की मांस मछली खाने चाहिए, तो मैं उसे मेरे प्राण को काबू में रखना चाहिए, अरे मैं माझ्या प्राणाला ताबे ठेवलं पाहिजे, वैसा प्राण को मांगा, नहीं तो नहीं खाऊंगी, आणि तसं मागे पाहिजे की नाही तर नाही खाणार, मेरे सामने फिश फ्राय रखा तो भी नहीं खाऊंगी, पापलेट रखा तो भी नहीं खाऊंगी, माझ्या समोर मच्छी फ्राय केलेली ठेवलेली असेल किंवा पापलेट ठेवलं असेल तरी पण प्राण को मारना मतलब मरा हुआ खाता है क्या, आणि मेलेला जेवतो का, तो मेरे प्राण ने आनंद नहीं लेना चाहिए पापलेट खाने का, आणि माझ्या प्राणाने पापलेट खाण्याचा आनंद नाही घेतला पाहिजे, आपको समझ में आया, मेरा प्राण जा रहा है आज, आणि माझा प्राण इच्छा ठेवतो यार, लेकिन पण हात तक आने नाही दूंगी, हात पर्यंत येऊ नाही, मुंह का तो छोडो आणि तोंडाचं हात मे भी नाही आने दूंगी, हातामध्ये पण नाही, भले मेरा प्राण चाहता है, आणि भले माझ्या प्राणाची इच्छा आहे मी तंबाखू खाऊ, मी तंबाखू खाऊ, लेकिन मैं मेरे प्राण को मारना है, पण मी माझ्या प्राणाला मारायचं, मेरी इच्छा आहे की आज मी कसके टमाटो मारू, आणि माझी इच्छा, लेकिन मेरे प्राण को मुझे कंट्रोल करना है, उसे मारना है नहीं, पण माझ्या प्राणाला मला कंट्रोल नियंत्रण ठेवायचं की नाही, इसका अर्थ मी बता रही हूँ, प्राण को कैसे डेली हम मारना, आणि रोज आपण कसं मारायचं, नॅचरली जेव्हा मारते हे तो दर्द आता है, आणि जेव्हा मारतो तेव्हा त्रास होतो, होता है,
मारा तो दर्द आता है ना, माझा त्रास होतो, मैं मेरे प्राण को मार रही हूँ आणि मी माझ्या प्राणाला मारत आहे, मुझे दर्द आएगा आणि नैसर्गिक आहे, मला त्रास होईल, एक बार वो मर गया ना, पण एकदा तो मेला ना, ती दर्द नाही है, मग त्रास नाही, तो फिर उसमें से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मग त्याच्यातून मला काही त्रास नाही। मुकुंद भाई के सामने फिश फ्राई होतो आणि मुकुंद भाऊंच्या समोर आता फिश फ्राई ठेवा, तंदुरी चिकन होतो, तंदुरी चिकन ठेवा, जेव्हा नॉनवेज सोडले, क्योंकि उन्होंने नॉनवेज को छोड़ दिया, वो वेजिटेरियन है, आज वेजिटेरियन आया, क्यों का, क्योंकि ऑलरेडी उनके प्राण से वो निकल गया, उस भाग में वो मर गए, आज प्राण निगुन गए, उन्होंने दारू छोड़ दी, मैंने दारू छोड़ दी, छोड़ दी छोड़ दी छोड़ दी, उनका प्राण मर गया दारू में, आज त्यांचा प्राण मेलेला आहे दारू, वो दारू नहीं पिए, आता ते दारू नहीं पिए, उनके सामने प्राण मर गया है, आणि प्राण मेलेला आहे, मरा हुआ उठता है क्या, आणि मेलेला उठतो का, ये उठिया लेकिन आप मत उठो, आणि तुम्ही नका उठो, मर गया उठता नहीं है, आणि मेलेला उठत नाही, वैसे ही हमारा प्राण उन भागों में मरा हुआ होना चाहिए, प्रभु चाहता है उसे मारो तो तुम उसे पाओगे, अपना प्राण या भागन मध्य मेलेना पाजे मगला जेव तुम्हें मारा तुम्हारा तुम उसे पाओगे, तुम्हें प्राप्त पाओगे, तुम्हें प्राप्त करा, हालेलुया, हालेलुया। तो यही आज दो स्पष्टीकरण है, आज दोन स्पष्टीकरण, रोज मरो, रोज मरो, रोज प्रभु में अपने प्राण को, उन अभिलाषाओं को, उन बातों को मारो जो आपको मसीह की आज्ञाओं को पालन करने के लिए रोकती है, आणि रोज तुम्ही काय करा, तुमच्या त्या गोष्टींना मारा जे तुम्हाला देवाच्या आज्ञेचं पालन करायला, देवाच्या आज्ञेचं पूर्ण करायला देते, बिलकुल अच्छा नाही लगता आप प्रार्थना करें चर्च आए, आणि प्राणाला बिलकुल आवडत नाही तुम्ही प्रार्थना करावी आणि चर्च मध्ये आहे, लेकिन उस प्राण को मारो, पण त्या प्राणाला मारा, आज्ञा पालन करके, आज्ञेचं पालन, चर्च में आके, चर्च मध्ये, घर में फॅमिली प्रेयर करके, पति करे नहीं करे तुम बैठो, ऑटोमेटिकली बाद में आपका पति बैठेगा, नवराणी करो न करो पण तुम्ही करा, बरोबर तुमचा नवरा येऊन परमेश्वर करायगा, आणि देव तसं करवे, परमेश्वर अशी परिस्थिती बनवायगा, आणि देव अशी परिस्थिती करवे, आप बैठते हो आपकी पत्नी नहीं बैठती, परमेश्वर आपकी पत्नियों को भी प्रार्थना में बिठाएगा, जर तुम्ही बसता तुमची पत्नी बसत नाही तर देव तुमच्या पत्नीला प्रार्थनेमध्ये बरोबर बस करवायगा, आणि तसं देव करवे, हे प्रभू चाहता है, आणि देवाची इच्छा आहे, अपने प्राण को अप्रिय जाना, आणि स्वतःच्या प्राणाला अप्रिय जाना, जो अपने प्राण को अप्रिय नहीं जानता, आणि जो स्वतःच्या प्राणाला अप्रिय जाना, अपना बेटा बेटी भाई बहन माता पिता संपत्ति को प्रिय नहीं जानता, वो मेरे योग्य नहीं है, यीशु ने कहा, आणि जो आई वडील भाऊ बहिणी संपत्तीला प्रिय जाणतो तो माझ्यासाठी योग्य तसा नाही, असा देव म्हणतो, येशू कहा है, येशू कुठे आहे, कहा जाना है हमें, येशू ने कहा जो ऐसा करेगा वो मेरे साथ वहां पर रहेगा, तो हमको वहां जाने के लिए ये करना है, आणि आपल्या तिकडे जाण्यासाठी ये करायचं, हालेलुया, हालेलुया, आओ प्रार्थना करेंगे, आपण प्रार्थना करू, आपको बंद करेंगे, डोळे बंद करू, और हम प्रार्थना, आणि आपण प्रार्थना करू, पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु येशू के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते, प्रभु हम हमारे प्राण को भी प्रिय न जाने प्रभु, ऐसी आपकी इच्छा है प्रभु, ऐसे हमारे प्राण में जो मन भावना इच्छाएं हैं इनको विरुद्ध में मसीह के आज्ञा पालन करते हुए चलने के लिए मदद कर, हमारे खुद की इच्छाओं को खुद के मन के अनुसार खुद की भावनाओं को तृप्त करने के लिए हम कभी भी आगे नहीं रहे, सहायता करना, इन सब की सुधि लेना, वचन जो इनके सामने इनके मन में बिठाया है इसे दुष्ट चोरी करने नहीं देना प्रभु, दया रखना, हमेशा देने के लिए आगे देने के लिए आगे हर काम के लिए देने के लिए मदद करना, इसे वो वापस पाएंगे प्रभु और जरूर पाएंगे और अच्छा पाएंगे, इन सब की सुधि लेना, इन सब की रक्षा करना, आंखों के पुत्री के समान संभाल लेना, दुष्ट से बचाए रखना, धन मान समान से दीर्घाय से दूर करना प्रभु और आंखों के पुत्री के समान संभाल लेना, मैं इन सभी को अपने नाम से आशीषित कर दे, धन मान समान से दीर्घाय से दूर करना और प्रभु अपने प्राण को भी अप्रिय जानने के लिए मदद करना, अपने प्राण को भी अप्रिय मसीह आपके लिए प्रभु, आपके लिए प्रभु, आपके लिए प्रभु, प्रभु पवित्र पिता अपने प्राण को भी प्रिय न जाने, आपके लिए देने के लिए आगे तैयार रहने के लिए सहायता, ये मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, सभी को आशीषित करना, आपको भी पुत्र के समान संभाल लेना, दृष्टि से बचाए रखना, इनकी सुधि लेना,
इनके फैमिली लाइफ में शांति घोषित करो, इनके वैवाहिक कौटुंबिक जीवन में शांति घोषित करो। हर पुरुष में अपनी स्त्री के लिए प्यार घोषित कर दो और जिम्मेदारी उठाने का प्रभु कर्तव्य पार करने की प्रार्थना करती हो। ये कर्तव्य पार करने के लिए तुम मदद करना, इनकी सुधि लेना, इनकी रक्षा करना। हर सभी को चर्च में आने के लिए मदद करना प्रभु। इन्हें हमेशा तुझे प्रथम स्थान देने के लिए तुम इनके जीवन में प्रभु पवित्र विधा तू ही पैदा करने के लिए मदद करना प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। सगळ्यांना सबको ब्लेस करो।